प्रमुख अनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों की ओर। कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों को समाज सेवियों और ग्रामीणों की मदद से भोजन कराया जा रहा है। यह नज़ारा मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग का है, जहां पर समाज सेवी और ग्रामीणों की मदद से दिन रात मेहनत कर भोजन स्टॉल लगाकर भोजन कराया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच लटेरी में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने लटेरी के कैंटोनमेंट जोन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि कोरोना पॉजिटिव महिला गुजरात से लटेरी लौट कर आई थी, जिन्हें क्वारंटाइन कर क्षेत्र को सवल कर दिया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में कई क्षेत्रों में महिला बाल विकास कोरोना संकट के बीच जरूरी सामग्री का वितरण कर सराहनीय कार्य कर रही है। इस पहल की हर जगह सराहना की जा रही है। मध्य प्रदेश के धार जिले में कोरोना संकट के बीच कुक्षी क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। दीनदयाल चलित अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के गायब होने पर बवाल शुरू हो गया। कागजों पर बड़ी हेरफेर का खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम तलवाड़ा पहुंचने से पहले ही रजिस्टर में चढ़ा दिए मरीजों के नाम पर काली कमाई जोरों पर की जा रही है। इंदौर के तिलकनगर ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस ने 12 घंटे में हत्या का खुलासा करते हुए सभी आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना तिलकनगर क्षेत्र के अंतर्गत कल रात्रि में विकास शुक्ला उर्फ अटाला नामक एक युवक की कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी थी और पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर को एक चैलेंज के तौर पर लिया और इसको 12 घंटे के अंदर न केवल डिटेक्ट किया और सभी चारों आरोपी जो है पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिए गए हैं। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं उसमें चेतन बुंदेला, उसका साथी रिंका और जो है डेनी नामक एक युवक हैं। इसके अलावा एक अन्य जो है माइनर युवक इसमें शामिल है। हत्या का जो मेन रीजन जो सामने आया है वो जो है जो मृतक है उसके द्वारा एक आरोपी की पत्नी के बारे में नकल वार्तालाप करना बताया गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना ने जमकर उत्पात मचाया है। इस बीच ताजा आंकड़े के अनुसार इंदौर में कोरोना के 92 नए केस सामने आए हैं। अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2470 तक पहुंच गया है। इसके साथ ही मौतों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अब तक कुल 100 मौत हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच कमिश्नर ने राजगढ़ पहुंचकर अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक की। इस बीच करणवास थाना अंतर्गत युवक ने अपने माता पिता के साथ पहुंचकर आवेदन सौंपा और कमिश्नर को आवेदन के माध्यम से जन समस्या की जानकारी मुहैया कराई और उसके निराकरण की बात उठाई। कोरोना संकट के बीच घर वापसी के लिए निकले मजदूरों का हाथ से भरा सफर जारी है। इस बीच सतना जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर बस और ट्रक में जोरदार टक्कर के बाद आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए। वहीं घायलों को 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कुशीनगर में कोरोना का उत्पात जारी है। इन सबके बीच अधिकारियों की मनमानी भी जारी है। बता दें कि कुशीनगर में जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं और कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा सही ढंग से नहीं बता रहे हैं। वहीं इनके बीच कुशीनगर में 2 नए पॉजिटिव मरीज मिलने से खलबली मच गई है। सूचना मिलते ही जनपद में हड़कंप मच गया है। साथ ही जिले में कुल पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 3 पर पहुँच गई है। वहीं CMO विवादों से घिरे हुए हैं। इंदौर में कोरोना संकट के बीच खाकी पर कई सवाल खड़े हुए हैं। इस बीच इंदौर भवरकुआ थाने पर पदस्थ महिला SI और सिपाहियों पर शराब की हेराफेरी का आरोप लगा है। शराब जब्ती के बाद हेराफेरी और लेन देन के संगीन आरोप के बाद खाकी पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। इस पर SP महेश चंद्र जैन ने तुरंत कार्यवाही कर तीनों को हटा दिया है। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश के शहडोल में पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक की मौत पर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि परिजनों का आरोप है कि अधिकारी की डांट के बाद तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने FIR की मांग उठाई है। के बाद में पापा जल्दी आ जाते थे 8 बजे, मगर उस दिन लेट आए 9 बजे ऐसे। उसके बाद फिर पापा हाथ पर धोए, उसके फिर कॉल आया पापा के लिए, तो वो RI का कॉल था।
उसके बाद में पापा को बोले कि डीजल भरवाए तो उसका वीडियो क्यों नहीं बनाए। पापा बोले तो उसका टच वाला फ़ोन नहीं है मेरे पास, ना मेरे साथ ही था, उसके पास भी टच वाला फ़ोन नहीं था। उसके बाद में फिर पापा कुछ ऐसा कुछ बोला, पापा एकदम घबरा गए। उसके बाद में हम लोगों ने प्रेयर किया, प्रेयर करने के बाद खाना खाने के लिए हम लोग बैठे थे। खाना खाते समय ही पापा अलग टाइप का कुछ खाना खा रहे थे, जैसे नॉर्मली खाते वैसे नहीं खा रहे थे। और फिर पापा को हम लोग खड़े करवाए तो पापा के एक पैर तरफ से बहुत लड़खड़ाने लगे, तो फिर जब चलने लगे तो भी लड़खड़ाते, तो हम लोग पापा को पकड़ के बैठा के रखे। तो ये आरआई का ही फ़ोन आया था लास्ट फ़ोन, उसके बाद ही ऐसा पापा का हुआ है। फिर हॉस्पिटल तक लेके गए तो पापा को बोल रहे थे एक साइड पैरालाइज है, और दूसरे दिन फिर सिटी स्कैन करवाया तो पापा को बताया कि नस फटी है ब्रेन की, ब्रेन हैमरेज। जैसे प्रधान आरक्षक चालक श्री मिंज के पिछले दिनों स्वास्थ्य खराब होने पर उनका इलाज कराया जा रहा था, कल रात उनकी मृत्यु हो गई। और उसमें उनके परिजनों का ये कहना है कि वाहन में ईंधन लेने के दौरान कुछ अनियमितता पाए जाने पर आरआई द्वारा डांट फटकार की गई थी। इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहडोल मुझे प्रकरण की जाँच दी गई है, जिसमें समस्त पहलुओं की जाँच की जा रही है, जो भी निष्कर्ष प्राप्त होगा उसके अनुसार कार्रवाई। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हर खबर हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज, घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने हाथ धोते रहिए, क्योंकि कोरोना से जंग अभी जारी है।